दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से चेकआउट करेंगे, कि आपका पीएफ इक्वल में सभी क्वेश्चन अपडेट है या नहीं, किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक क्वेश्चन, पैन क्वेश्चन, पासवर्ड क्वेश्चन या फिर आधार क्वेश्चन, आपका पीएफ इक्वल में अपडेट है या नहीं, वो किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप अपना पीएफ का पैसा निकासी करना चाहते हैं, चाहे आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए हो या फिर एडवांस क्लेम के लिए हो या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको चेकआउट करना होगा कि आपका पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट है या नहीं। केवाईसी अपडेट होगा तभी आप यहाँ पे पैसा निकासी कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट किए हैं तो यूएन नंबर एक्टिवेट करने के बाद भी आपको चेकआउट करना होता है कि आपके पीएफ अकाउंट में कौन कौन से केवाईसी अपडेट है। जो केवाईसी आपका अपडेट नहीं होगा उसे आपको अपडेट करना होगा, लिंक करना होगा। तो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने का यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा जहां से आप केवाईसी चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कौन कौन से केवाईसी प्रेजेंट टाइम में आपका अपडेट है। तो चलिए, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो भी यूएन का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले केवाईसी चेकआउट करने से पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा, तभी आप केवाईसी चेकआउट कर सकते हैं। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा। तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहाँ पे एक एसएमएस आया होगा, उस एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होता है। तो जो भी ओटीपी होता है 6 डिजिट का, उसे यहाँ पे इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने आपको वीडियो को शुरुआती दौर में आपको बताया था तीन तरीका बताऊंगा जहां से आप अपना केवाईसी चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन से केवाईसी आपका अपडेट है या फिर कौन कौन से केवाईसी आपका अपडेट नहीं है, वो तीन तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना और समझना है। पहला तरीका में यहीं पे देखिए आपके पास प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपके पास नजर आता होगा, जैसे कि सबसे ऊपर में मेंबर प्रोफाइल, जो भी आपका डिटेल होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे केवाईसी आपका अपडेट है या नहीं उसे चेकआउट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का, तो आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका केवाईसी अपडेट है या नहीं उसका जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि पहला केवाईसी होता है आधार का, तो यहाँ पे देखिए आधार एक लिखा हुआ नजर आता होगा और उसी के सामने जो भी मेरा आधार नंबर है उसका यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा। देन यहाँ पे नजर आता होगा वेरीफाई ओटीपी डेमोग्राफी। ठीक है, तो फाइनली अगर आपका आधार केवाईसी अपडेट होता है तभी आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन भी हो पाए। तो आपका लॉगिन हो गया आपका पीएफ अकाउंट में, तो वहीं सब समझ लीजिए कि फाइनली आपका पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट है। अगर आपका आधार केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो आप अपना पीएफ अकाउंट में भी लॉगिन नहीं हो पाते। ठीक है, कंफर्म करने के लिए यहीं पे देखिए आधार नजर आता होगा, मेरे केस में यहाँ पे आधार केवाईसी अपडेट है। उसके बाद आपका बच जाता है तीन केवाईसी, बैंक, पैन और पासवर्ड। पासवर्ड केवाईसी ऑप्शनल होता है, अगर आप करना चाहे कर सकते हैं, वैसे छोड़ दीजिए। तो बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी आपको यहाँ से चेकआउट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा नीचे नजर तो होगा पेन, और यहाँ पे जो भी मेरा पेन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा पेन कार्ड नंबर यहाँ पे सो रहा है। तो फाइनली मेरे केस में यहाँ पे पेन केवाईसी भी अपडेट है। अगर आपका पेन केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आपके पास सो होगा। अगर यहाँ पे नॉट अवेलेबल सो रहा है तो फिर आपको पेन केवाईसी आपको अपडेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मेन केवाईसी आ जाता है बैंक का, तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर नजर आता होगा। यहीं पे देखिए जो भी मेरा बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पे सो होता होगा। यहाँ पे देखिए जाता होगा वेरीफाई बाय बैंक, बैंक से वेरीफाई हुआ था जिसके वजह से यहाँ पे वेरीफाई बाय बैंक यहाँ पर नजर आता होगा। तो पहला तरीका में यहाँ से आप अपना आधार चेक आउट कर लीजिए, पैन के वैसे अपडेट है या नहीं वो चेकआउट कर लीजिए, बैंक के वैसे अपडेट है या नहीं वो चेकआउट कर लीजिए। जो के वैसे आपका अपडेट नहीं होगा उसी के सामने यहाँ पे नॉट अवेलेबल आपके पास शो होता होगा। अगर नॉट अवेलेबल शो रहा है तो समझ लीजिए आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, उसे आपको अपडेट करना होगा। तो पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका चेकआउट करने के लिए ऊपर में देखिए ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर में ही यहाँ पर नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 90, 10C और 10D, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है।
जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोफाइल के इन्फॉर्मेशन होता है, मेंबर के डिटेल होता है, वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मेंबर डिटेल नजर आता होगा, केवाईसी डिटेल आपको चेकआउट करना है तो यहीं पे देखिए एक सेक्शन मिल जाता है केवाईसी डिटेल का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आधार नंबर, यहाँ पे देखिए आधार नंबर जो केवाईसी अपडेट होगा वही से होगा, जैसे आधार नंबर है आधार नंबर का कुछ डिजिट नजर आता होगा, साथ साथ दूसरा केवाईसी पैन नंबर का है तो यहाँ पे पैन नंबर का भी यहाँ पे डिजिट नजर आता होगा, और साथ साथ तीसरा जो केवाईसी होता है बैंक का, यहाँ पे देखिए बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पर नजर आता होगा। तो दो तरीका से मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप केवाईसी चेकआउट करेंगे। अब तीसरा केवाईसी होता है जो मैं अभी तक दो तरीका बताऊं, यहाँ से केवाईसी आपका अपडेट होगा तभी शो होगा। अगर मान के चलिए अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है किसी भी कारणवश, तो वो कहाँ पे शो होता है? तो मेन जो यहाँ पे चेकआउट करने का एक होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो अभी बताने वाला जा रहा हूँ, वो सबसे मेन है, तीनों में से मेन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज का, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे नजर आता होगा तीसरा ही ऑप्शन में केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। जब केवाईसी वाला सेक्शन पर आइएगा तो यहाँ सब अपना केवाईसी को मैनेज कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, कौन कौन से केवाईसी अपडेट है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कारणवश, जैसे आपका बैंक केवाईसी नाम मिसमैच से रिजेक्ट हो जाता है, किसी भी कारणवश अगर आपका बैंक केवाईसी या पैन केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है, या फिर केवाईसी वगैरह अपडेट करते हैं तो नीचे भी आपका पेंडिंग वाला शो हो जाता है। तो जो यहाँ पे केवाईसी वाला सेक्शन है यहाँ पे केवाईसी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर जो मैंने आपको फर्स्ट दो तरीका बताया तो वहां से चेकआउट नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो ये जो तरीका बता रहा हूँ तीसरा तरीका काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक। यहाँ से आपको 100% आपको चेकआउट कर लेना है। मान के चलिए अगर आपका केवाईसी वगैरह रिजेक्ट हो जाता है तो जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दो तरीका बताया था वहां पे आपका बैंक वैसे ऑलरेडी दिखा गया कि आपका केवाईसी अपडेट है, लेकिन किसी कारण बस रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट वाला देखने के लिए आपको इसी सेक्शन में आना होगा। इस सेक्शन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एड केवाईसी, और उसी के नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा बैंक पैन और पासपोर्ट। अगर आपको बैंक केवाईसी अपडेट करना होता है बैंक पर आपको क्लिक करना होता है, पैन केवाईसी अपडेट करना होता है तो फिर आपको पैन पर क्लिक करना होता है, सेम एज पासवर्ड केवाईसी अगर आपको अपडेट करना होता है तो पासवर्ड पर आपको क्लिक करना होता है, लेकिन पासवर्ड केवाईसी ऑप्शनल होता है, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ज्यादा मैंडेटरी नहीं, सब छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरे केस में भी देख सकते हैं पासवर्ड केवाईसी अपडेट नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो भी केवाईसी आपका अपडेट होगा उसे चेकआउट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है करेंट एक्टिव केवाईसी, करेंट एक्टिव केवाईसी कहने का मतलब होता है जो भी प्रेजेंट टाइम में आपका पीएफ इकोनॉमिक केवाईसी अपडेट होगा वो केवाईसी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो केवाईसी यहाँ पे दिखता होगा बैंक का, और उसी के नीचे देखिए पैन का, और यहाँ पे सबसे पहले एक बार आपको स्टेटस देखना है। यहाँ पे बैंक और पैन तो नाम यहाँ पे शो हो गया, लेकिन स्टेटस आपको एक बार देख लेना है। स्टेटस में यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ नजर आना चाहिए, देखिए दोनों जगह यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ नजर आ रहा है, और साइन टैप में देख सकते हैं इन साइन नजर आता होगा। अगर स्टेटस में अप्रूव लिखा हुआ नजर आ रहा है बैंक के सामने, पैन के सामने और आधार के सामने, तो फाइनली आपका पीएफ अकाउंट बैंक पैन और आधार के वजह से आपका अपडेट होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा तीनों के वजह से अपडेट है, बैंक पैन आधार के वजह से भी अपडेट है, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे बैंक और पैन यहाँ पे सो रहा है, आधार के वैसे वाला सेक्शन यहाँ पर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी वाला सेक्शन में जब आएगा तो यहाँ पे आधार वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मेरे केस में नहीं है लेकिन आपका आता होगा। लेकिन कुछ पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनका केवाईसी वाला सेक्शन में आएगा तो यहाँ पे आधार वाला सेक्शन नहीं आता है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे नहीं आ रहा था। यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था वहां सब कंफर्म हो सकते हैं कि आपका आधार केवाईसी अपडेट है या नहीं। दूसरा तरीका से भी आप अपना आधार केवाईसी अपडेट है या नहीं वहां से भी कंफर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका आधार केवाईसी वाला सेक्शन नहीं मिल रहा है करंट एक्टिव केवाईसी में तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका केवाईसी अपडेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक केवाईसी भी अपडेट है, पैन केवाईसी भी अपडेट है, आधार केवाईसी भी अपडेट है। जो केवाईसी आपका अपडेट नहीं होगा उससे आपको अपडेट करना होगा। अपडेट किस प्रकार से किया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक ही वीडियो में आपको बताया हूँ किस प्रकार से बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी या फिर आधार केवाईसी कहाँ से अपडेट होगा उसका जानकारी एक ही वीडियो मैंने आपको कंप्लीट दे दिया हूँ, ठीक है। उस वीडियो को देख करके कंप्लीट खुद से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका केवाईसी पेंडिंग में होता है या फिर किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है वो कहाँ पर दिखेगा, उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में वो केवाईसी आपके पास वो होता होगा, जैसे कि अगर अभी बैंक केवाईसी अपडेट करते हैं या फिर पैन केवाईसी अपडेट करते हैं तो सबसे पहले आपका पेंडिंग में होता है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में पेंडिंग वाला केवाईसी यहाँ पे शो होता है। अगर आपका पेंडिंग वाला सेक्शन में आपका बैंक केवाईसी या फिर पैन केवाईसी शो हो रहा है तो फिर आपका जो भी आपने बैंक केवाईसी या फिर पैन केवाईसी आपने अपडेट करने का रिक्वेस्ट डाला वो अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ है, आपका अप्रूव नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पे आपका पेंडिंग में शो होगा तब तक समझ लीजिए कि आपका बैंक केवाईसी या तो फिर पैन केवाईसी आपका अपडेट नहीं है। जैसे यहाँ से आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद करंट एक्टिव केवाईसी में चला जाएगा तो फाइनली आपका
जो भी केवाईसी है वो आपका अपडेट होगा। अगर आप चेंज करते होंगे तो जो पहले वाला केवाईसी होगा ऊपर में आपके पास वो होगा, ठीक है, एक्टिव केवाईसी में पहले वाला केवाईसी शो होगा, और जो अभी आप रिक्वेस्ट डाल रहे होंगे जो पेंडिंग होगा वो नीचे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे रिजेक्ट वाला केवाईसी में यहाँ पे शो हो जाता है, तो जिस भी कारण आपका रिजेक्ट हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको तीन तरीका बताया हूँ, चलिए एक और बोनस तरीका बता देता हूँ। अगर अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ जहां से कंप्लीट आप अपना केवाईसी चेकआउट कर सकते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट है या नहीं। उसके लिए अपना पीएफ वाला जो पासबुक होता है उसमें आपको लॉगिन होना होगा। उसके लिए यहाँ पे व्यू पर आपको क्लिक करना है, देन आपको पासबुक पर आपको क्लिक करना है। जैसे पासबुक पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है, कैप्चर कोड यहाँ पर डालना है और साइन इन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है, देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ का जो पासबुक होता है उसमें आप लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ से भी केवाईसी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। केवाईसी डिटेल चेकआउट करने के लिए आपको यहाँ भी प्रोफाइल वाला सेक्शन में जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में ही यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका प्रोफाइल सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। इधर आपको राइट साइड में आना है, यहाँ पे देखिए केवाईसी डिटेल का एक सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर भी आपके पास फुल नंबर आपके पास होगा। जैसे कि आपका यूनिफाइड पोर्टल जो लॉगिन पेज था यूएन नंबर वाला, वहां पे आपका डॉट डॉट में नंबर शो रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, आपका पैन कार्ड नंबर पूरा का पूरा शो हो जाएगा, आपका आधार नंबर भी यहाँ पे पूरा का पूरा शो हो जाता है। जैसे कि केवाईसी डिटेल में यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे देखिए आधार नजर आता होगा, आधार नंबर का देख सकते पूरा पूरा नंबर नजर आ रहा है। पैन में आपको आना है, पैन कार्ड का देख सकते पूरा का पूरा नंबर नजर आता होगा। सेम है उसी प्रकार से बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो जाता है, बैंक का आईएफएससी कोड भी यहाँ पे पूरा का पूरा शो हो जाता है। यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट में कौन कौन सा केवाईसी अपडेट है। तो कंप्लीट यहाँ पे चार तरीका बताया हूँ, चार तरीका में से कोई भी तरीका आप अपना लीजिए। जो तीसरा तरीका था वहां से एक्स्ट्रा फ्यूचर वहां पे मिल जाता है, अगर केवाईसी पेंडिंग में होता है रिजेक्ट हो जाता है तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन चारों तरीका का यूज करके आप 100% कंफर्म कर सकते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट में कौन कौन से केवाईसी आपका अपडेट होगा। अगर इनमें से कोई भी केवाईसी अगर आपका अपडेट नहीं है, जैसे बैंक अपडेट नहीं है, पेन आपका अपडेट नहीं है, तो उसे आपको अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करना होगा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है।